दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पार्क जिन दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं। 8 अप्रैल को जिन ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए महात्मा गांधी के प्रयासों की तारीफ की। पार्क जिन ने कहा कि 27 साल पहले मैं भारत आया था, मैं हमेशा महात्मा गांधी के सत्याग्रह के पवित्र उद्देश्यों की सराहना करता हूं। सत्याग्रह लोगों को जागरूक करने समेत लोकतंत्र की मजबूती के लिए उनकी ओर से किए गए काम सराहनीय हैं। मुझे इंडिया आकर और आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। आपके स्वागत करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पार्क जिन का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत दक्षिण कोरिया के बीच राजनयिक संबंधों को 50 साल भी पूरे हो चुके हैं। इस दौरान दक्षिण कोरिया भारत के महत्वपूर्ण साझेदारों के रूप में उभरा है। दौरे पर पहुंचे पार्क जिन ने अपने समकक्ष एस जयशंकर के साथ मुलाकात की। वहीं एस जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री के साथ बैठक के दौरान प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि मैं भारत में आपका स्वागत करता हूं। मुझे पता है कि विदेश मंत्री के रूप में ये आपकी पहली भारत यात्रा है। आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं, क्योंकि हमारा व्यापार अच्छा है और राजनीतिक संबंध बहुत सहयोगी है। आई एम रियली टुडे वेरी ग्लैड टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेक फॉरवर्ड आवर स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। This is also the 50th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. And you come at a very good time because our trade is very good, our political relations is very cooperative. दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री भारतीय फिल्मों के बड़े फैन हैं। उन्होंने खुद इसके बारे में बताया। जिन ने बताया कि नाटू नाटू डांस खूब लोकप्रिय है। एसएस राजमौली की फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू को 95वें एकेडमी अवार्ड समारोह में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड मिला था। वाचिंग द वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू इंडिया न्यूज़ टीवी फॉर मोर सच अपडेट्स।